Subscribe Sam Chowdhury blogs to get latest informations regarding the nursing recruitments and hit the bell icon to get latest notifications of uploaded videos. हेलो एवरीवन, दिस इज श्याम चौधरी। वेलकम बैक टू श्याम चौधरी ब्लॉग्स अगेन। सो गाइस, ये यूपी गवर्नमेंट से फिर से जो है वैकेंसी निकला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, एंड पहला जो है 5500 प्लस जो है वैकेंसीज निकला था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। वो जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है, ये फिर से जो है यूपी गवर्नमेंट से निकला है। एंड ये जो वैकेंसी NHM नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से निकला है। सो NHM जो है इसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला है, उसके बाद जो है पोस्टिंग की जाएगी आपको SWCS में, यानी कि हेल्थ वेलनेस सेंटर। सो गाइस, पूरा जो है फुल नोटिफिकेशन रीड करेंगे जो कि रिलीज हुआ है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से। सो उससे पहले अगर आप नहीं है तो हमारे चैनल में फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुँच जाएगा। सो गाइस, चलिए मैं आपको शॉर्टली जो है इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस नोटिफिकेशन का। सो ये NHM उत्तर प्रदेश से निकला है, आपकी पोस्टिंग एज ए CHO हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो है की जाएगी। एंड ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक वेबसाइट जो है प्रोवाइड कर दिया गया है NRHM.gov.in। इस वेबसाइट में जो जाके आप डिटेल इन्फॉर्मेशन पा सकेंगे, इंक्लूडिंग दी कब से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है एंड सब कुछ जो है डिटेल आप पा सकेंगे। एंड क्वालिफिकेशन के चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, आपको BSc कंप्लीटेड होना चाहिए। एंड BSc में जो है इंटीग्रेटेड आता है एक कम्युनिटी हेल्थ सर्टिफिकेट कोर्स, जो BSc में अभी जो है इंटीग्रेटेड आता है, पहले नहीं आता था। एंड पोस्ट बेसिक में भी जो है ये सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है। सो अगर आप BSc एंड पोस्ट बेसिक कैंडिडेट है तो सिंपली कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी GNN कैंडिडेट है उनके लिए जो है अलग से ये सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, तो फिर जो है आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड फॉर क्लैरिफिकेशन, द एकेडमिक ईयर रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, दैट इज स्टूडेंट्स will be undergoing fourth year BSc nursing and second year post basic BSc nursing 2019 and 2020। so students जो भी academic year 2019 and 2020 के पास आउट है उनका जो है integrated course आता है ये community health में। so 2019 बाद के students जो है apply कर सकते हैं, उनके लिए कोई experience नहीं चाहिए। and यहाँ पर guys एक बहुत ही जो है बड़ा important notification और important instruction provide किया गया है। like अगर आपके पास fresh pass out है एंड अगर आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एंड पोस्टिंग होने के बाद 3 महीने के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वरना आपके जो है कैंडिडेचर या फिर जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। सो ये एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एज लिमिट यहाँ पर देखिए क्या है, ऑफर एज लिमिट फॉर ऑन रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए जो है 35 ईयर्स है। सो 35 ईयर्स तक कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिलैक्सेशन एज में प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी नॉर्म्स है स्टेट का उसके हिसाब से जो है रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं सैलरी कितनी होने वाली है एक CHO की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो कि मेन पार्ट है सैलरी एक जॉब में। So, the successful candidate shall be appointed as a community health officer on contractual basis at sub-central levels, that is health wellness centers, and paid is 20,500 rupees, जो उनका basic payment होगा, and plus 15,000 rupees per month मिलेगा performance based incentive, जो है PBI ये रहेगा, यानी कि टोटल सैलरी होगा 35,500 rupees जो है आपको सैलरी मिलेगा। एंड ए सियोरिट बॉन्ड ऑफ 2.5 lakhs ऑन द नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 100 इज मैंडेटेड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर टू सर्व फॉर मिनिमम 3 ईयर्स एट सब सेंटर्स लाइक SWCS इन उत्तर प्रदेश। सो एक सियोरिटी बॉन्ड जो है देंगे आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, दैट आप 3 ईयर्स मिनिमम जो है
सर्व करेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। एंड उसके बाद जो भी 6 साल के बाद जो भी रेगुलर होता है एक पोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में, सो ये 6 साल के बाद आपका पोस्ट जो है रेगुलर हो जाएगा। एंड उड़ीसा ही एक स्टेट है जहाँ पर कंट्रेक्चुअल सिस्टम एबोलिश करने का डिसीशन जो है उड़ीसा का गवर्नमेंट लिया है श्री नवीन पटनायक, यानी कि वो ज्वाइन होते ही उनका पोस्ट जो है रेगुलर बेसिस में रहेगा एंड सैलरी भी उसके हिसाब से जो है मिलेगा। सो लेकिन यहाँ पर अभी तक उत्तर प्रदेश में ये सिस्टम जो है नहीं हटाई, इसलिए आपको अभी जो है कंट्रेक्चुअल बेसिस में पोस्टिंग किया जाएगा। सो गाइस जल्दी ही इसका जो है अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा, जैसे ही आएगा हमारे चैनल में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए सो दैट इन्फॉर्मेशन जल्दी आपके पास पहुंचेगा। सो गाइस आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रिक्रूटमेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।